वेल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ में दो अपडेट शेयर करने वाला हूं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब भी आपके लिए ये जो अपडेट है काफी इम्पोर्टेंट है, और आप अमेजोन पे वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्यूआर कोड स्कैन वगैरह करके तब भी आपके लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इन दोनों ही ट्रांजेक्शन के ऊपर न्यू अपडेट आ चुके हैं जो कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए, आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के अपडेट से। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर करने के लिए एफपे एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2000 रुपए तक की जो लिमिट है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रेडिट कार्ड से एड मनी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन 1 में लोड मनी करने पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता था, वहीं पर ऑप्शन 2 में आपको लोड मनी करने पर 2.5% का चार्जेस पे करना पड़ता था। अब इसे अपडेट करके आप ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको 1% का चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये है एफपे का लेटेस्ट अपडेट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट मीन्स अब आप एफपे एप्लीकेशन का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये हो गया पहला अपडेट। बात करें दूसरे अपडेट के बारे में तो दूसरा अपडेट जो है अमेजोन पे यूजर्स के लिए है। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने जा रहे होंगे तो जो ट्रांजेक्शन है कम्प्लीट ही नहीं हो रहा होगा, या फिर आप जो पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करने जा रहे होंगे वहां पर अमेजोन पे का ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा होगा। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आरबीआई ने अमेजोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपए का पेनल्टी लगाया है, जिस कारण से आपको ये जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है। अब ये पेनल्टी क्यों लगाया, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप आरबीआई के वेबसाइट के ऊपर ये एग्जैक्ट फिगर देख सकते हैं कि 3,06,66,000 रुपए का पेनल्टी लगा दिया गया है। रीजन यहाँ पर ये बताया गया है कि इनका जो केवाईसी अपडेट का प्रोसेस है उसमें काफी सारे दिक्कतें आ रही है। तो अब ये प्रॉब्लम कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगा ये तो अमेजोन ही जान सकती है, जब तक अमेजोन जो है एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है आरबीआई के पास में सबमिट नहीं करती है कि हम जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने दिए जा रहे हैं वो केवाईसी अपडेट वाले पर्सन को ही करने दे रहे हैं, तब जाकर आरबीआई जो है इन्हें अलाउ करेगी उन ट्रांजेक्शन करने के लिए। उसके बाद से आप अगेन जो है किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट को कर पाएंगे जो भी आपके पास में वॉलेट में पैसा पड़ा होगा। तो ये दो नए अपडेट आए थे जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।